नवकार सिस्टम्स में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वायरलेस नर्स कॉलिंग सिस्टम। ये है एक वायरलेस नर्स कॉलिंग के सिस्टम का सेटअप, जिसमें कि एक आपको एक मेन डिवाइस मिलता है, एक मेन पैनल मिलता है, जो कि इस पे दिया हुआ है एक LCD डिस्प्ले, और यहाँ पर हमने एक वायरलेस एक रिमोट्स कह सकते हैं, वायरलेस कॉलिंग यूनिट कह सकते हैं। ये आपका नॉर्मल जो वायरलेस यूनिट है, ये आपका कहीं पर भी स्टिक किया जा सकता है। ये बटन जैसे मुझसे अभी दब गया है, तो यहाँ पर ये एक कॉल जनरेट हो गई है। जो ये वाला यूनिट है, ये रिसेप्शन पे रखा जाता है, और ये वाला यूनिट जो है रिमोट यूनिट, ये पेशेंट के साइड बेड साइड पे होता है, जिसमें कि ये रिमोट सिर्फ उसके मतलब का है। तो ये कहीं पास में वॉल पर हैंग हो जाता है, ये यूनिट पीछे इनके पॉइंट्स के थ्रू वॉल पर हैंग हो सकता है। और ये वाला यूनिट क्योंकि कॉर्ड है, लंबी हो सकती है, तो ये उसके बेड के पास हो जाएगी, तो जब उसको ज़रूरत है वो खुद या उसका जो भी अटेंडेंट बैठा है वो उसको दबा करके नर्स को कॉल कर सकता है, या फिर हाउसकीपिंग को कॉल कर सकता है, या फिर इमरजेंसी कॉल भी जनरेट कर सकता है। इसमें देखिए, ये कॉलिंग के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी कॉलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये रेड बटन जो है। हाउसकीपिंग के लिए हाउसकीपिंग का बटन दबाया जा सकता है। अगर केयर के लिए, कि अगर केयर जैसे कि पेशेंट नर्स आई है और उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो वो केयर का बटन दबा देंगे, तो वो थैंक यू का मैसेज जनरेट होगा और वो कॉल वहाँ से हट जाएगी। और कोड ब्लू है इमरजेंसी कॉल जनरेट करने के लिए। तो अब हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ये यूनिट है हमारी 1 नंबर यूनिट है, और ये यूनिट है हमारी 2 नंबर यूनिट है। तो हम इसका जस्ट इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज की वैसे काफ़ी अच्छी है, आप एक फ्लोर पे आराम से इसको लगा सकते हैं। नॉर्मली हर फ्लोर पर एक नर्स एरिया होता है, रिसेप्शन एरिया भी कह सकते हैं उसको नर्स का, या सिटिंग एरिया भी कह सकते हैं, वहाँ पर ये यूनिट इंस्टॉल होती है। तो दिन या रात में कहीं पर भी कभी भी जब कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर पेशेंट अकेला है या कोई इमरजेंसी है, तो उसको उठकर आने की, क्योंकि पेशेंट में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो उठकर आए, तो वो अपने बेड साइड से ही नर्स को कॉल कर सकता है। तो ये हम इसको देखते हैं, जैसे कि ये 301 है, तो मैं इसको अभी केयर कर देता हूँ, मतलब कि ये हमारी कॉल कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर थैंक यू का मैसेज जनरेट होगा, थैंक यू नर्स। तो अब अगर हमें यहाँ पर हम शुरू से करते हैं, अगर उसने कॉल जनरेट करना है, तो ये बटन को हमने एक बार ही दबाया, तो इसका जो पेशेंट का जो इसका जो रूम नंबर है 301 है। इसी तरीके से ये 302 है, तो ये 302 पर कॉल जनरेट हो गई है। इस तरीके से आप मल्टीपल, अभी ये जो यूनिट है 10 रूम्स के लिए है, ऐसी 20 रूम्स 30 रूम्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के हिसाब से आप हमसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता सकते हैं, हम आपको अकॉर्डिंगली सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये 10 रूम वाला सोल्यूशन है, और इसमें आप 10 रिमोट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हाउसकीपिंग के को बुलाना है, तो अब हाउसकीपिंग को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये H01 आ गया, तो पता चल जाएगा कि हाउसकीपिंग को जाना है। हाउसकीपिंग प्लीज। और अगर कोई इमरजेंसी है, तो कोड ब्लू को प्रेस करेंगे, तो कोड ब्लू के केस में एक इमरजेंसी जनरेट हो जाती है। अटेंशन ऑल, इमरजेंसी हियर। अटेंशन ऑल, ये इमरजेंसी जनरेट हो गई है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से भी चाहता हूँ, तो यहाँ से भी इमरजेंसी जनरेट की जा सकती है। अगर उसको कॉल को, अगर कॉल को अटेंड किया जा चुका है, तो केयर को दबाएंगे, तो वो कॉल हट जाएगी वहां से। इसी तरीके से थैंक यू नर्स, दूसरी कॉल को भी हटाया जा सकता है। तो एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है, इसके लिए कोई ऐसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लेना है, सिर्फ इसको हैंग करना है और कुछ नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई वायरिंग नहीं करनी है आपको। बहुत इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड सिस्टम है। अगर आपको इस तरह के सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे नंबर्स के थ्रू व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये सिस्टम हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक्स।